वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी एकदम अच्छे हैं। तो आज है फ्रेंड्स दिन 31 दिसंबर है और सैटरडे है, साल का आखिरी दिन है। और चलिए अब हम लोग जा रहे थे, मेरे जो फादर इन लॉ हैं पापा जी उनके फ्रेंड के घर हम लोग जा रहे हैं। और आंटी बहुत टाइम से हम लोगों को मतलब बुला रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग पहले घर शिफ्टिंग में बिज़ी हो गए, फिर फेस्टिवल्स में कुछ ना कुछ, फिर हम लोग गाँव गए, तो इस वजह से हम लोग काफ़ी टाइम से उनके घर नहीं जा पा रहे थे। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं। और रास्ते में ना मतलब स्माइली बोल रही थी ऑटो में, मेरी भी रिकॉर्डिंग है वॉइस की, लेकिन प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी रास्ते में, तो इस वजह से वो वॉइस मैंने कट कर दी है। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं आंटी का जो घर है उसके अपार्टमेंट के बाहर हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और बस इनका फ़ोन आ गया था एक्चुअली, तो ये थोड़ा बात करने लग गए हैं और अब हम जाएंगे अंदर आप लोगों के साथ। थोड़े बहुत क्लिप्स मैंने लिए हैं और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आंटी का घर भी दिखाऊंगी। उन्होंने न्यू अपार्टमेंट अभी मतलब लिया है, एक उनका पहले से फ्लैट था 1 BHK, उसी के साथ में उन्होंने एक और वहाँ पे अभी ले लिया है बगल में ही। तो मैं तो फ़िलहाल फ़र्स्ट टाइम ही आ रही हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखा है उनका घर, तो अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ही आ रही हूँ। तो चलिए फ़िलहाल अंदर चलते हैं, और बाहर से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और कॉलोनी भी काफ़ी बढ़िया है, तो अब चलते हैं अंदर। अरे घूमने जा रहे थे शाम को इधर ही बिल्डिंग के पीछे। और चलिए अब आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये है आंटी जो अभी न्यू फ्लैट लिया है बगल में, वो वाला उसका किचन है ये, और काफ़ी अच्छा है ये किचन भी, बढ़िया बना हुआ है, इसमें सब कुछ बहुत अच्छे मतलब काम अच्छा हुआ है इसमें भी। और ये साथ में जो है यहाँ पे पीछे बेडरूम है, 1 BHK फ्लैट है ये, तो इसमें ये पीछे बेडरूम है और बहुत अच्छा मतलब बनाया है, काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे में टाइल्स वगैरह लगे हैं दीवारों पर भी। और इस तरफ ये देखिए ये वॉशरूम वगैरह है, वॉशरूम के जस्ट सामने किचन था, पीछे बेडरूम था, ये आगे हॉल है जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं। और इसके बगल वाला ये आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा, इस तरफ आंटी का है, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए सामने दिख रहा होगा, इधर से आंटी ने अटैच कर लिए हैं दोनों फ्लैट, तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी निकल आया है घर में और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। आंटी ने भी पहले से ही अपने फ्लैट में बहुत सारा काम करवा के रखा हुआ है, तो उनका भी बहुत अच्छा है। और ये वाला जो फ्लैट है ये आंटी ने न्यू लिया है अभी, तो ये देखो ये स्माइली की मस्ती यहाँ पर भी चालू है, कह रही है लाइट चलाओ, उसको लाइट से बड़ा अच्छा लग रहा था ये ऊपर, तो वो लाइट्स वगैरह इसमें गाने वगैरह भी चलते हैं ऊपर लाइट से, इसमें मतलब म्यूज़िक सिस्टम भी है ऊपर से ही, तो वही स्माइली को मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों से। सामने जो आपको फर्नीचर दिख रहा होगा इसको दीवार में लगा देते हैं, और ये डाइनिंग टेबल का काम करता है ये फर्नीचर, काफ़ी अच्छा लगा। और इसके साथ में 4 चेयर भी हैं लकड़ी की अच्छी, तो वो डाइनिंग टेबल बन जाता है। और उसके बाद देखिए मैं हूँ आंटी की किचन में, यहाँ पर बन रही है कॉफ़ी सबके लिए, और ये देखो स्माइली मैडम यहाँ पर जो है घूमने में लगी हुई है, उसको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बातें करती रही वो दद्दू से, दादी से, आंटी अंकल से, तो बहुत देर तक मतलब बहुत अच्छा लगा आंटी के घर पे आके। और यहाँ पर ये देखिए कितने बढ़िया फर्नीचर बना रखा है आंटी ने, मतलब सब कुछ कवर्ड वगैरह किचन में रैक बहुत अच्छे से सब कुछ
मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से सारा कुछ आंटी ने सेट भी कर रखा है सारा सामान, और काफ़ी सुंदर किचन भी लग रही थी। और ये वाला जो फ्लैट है वो आंटी का मतलब पहले वाला है, तो उसी के साथ में आंटी ने साइड में जो अभी मैंने दिखाया था वो दूसरा लिया है आंटी ने बगल में ही, तो दोनों को मिला करके काफ़ी बढ़िया सा स्पेस हो गया है, पूरा घर एकदम बड़ा सा हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। और आंटी ने ये इस किचन में भी बहुत काम करा रखा है, ये देख ही रहे होंगे आप लोग, और जो है रैक वगैरह कांच के, माइक्रोवेव के लिए ऊपर, मतलब सब कुछ फिनिशिंग जो है ना सारे, मतलब सारा काम एकदम परफेक्ट कर रखा है और चीज़ें भी बहुत अच्छे से सेट करके रखा हुआ है, और अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ जो है वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, मैं दिखाती हूँ। और ये है आंटी का हॉल, जो फ्लैट है ये वाला, इसका हॉल है इधर साइड में, इस तरफ को किचन है, साइड में वॉशरूम है और पीछे बेडरूम है, वैसे ही जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था, लेकिन उससे बड़ा बेडरूम है ये वाला जो पहले वाले फ्लैट का है। और अब हम लोग यहाँ पे डिनर करने वाले हैं, तो सारा खाना रेडी है, सब डाइनिंग टेबल पे आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे डिनर और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे घर। और स्माइली चेयर रख के पहले ही बैठी है, यहाँ पे मैं बैठूँगी, यहाँ पे मम्मी बैठेगी तो बस। और ये देखिए यहाँ पे ये आंटी का हॉल है, ये दूसरा वाला हॉल है, बीच में से दरवाज़ा बन गया है, तो यहाँ पे बहुत स्पेस अच्छा हो गया है, मतलब बड़ा सा भी लग रहा है और काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। उजाला है बस, इसमें देखो क्या इधर आ जाओ, उस पे उधर नहीं बैठो, इधर आओ, तुम इधर ही रखो कुर्सी तो चेंज कर लो, कुर्सी उधर घुसेगी नहीं ना पापा के पास। तो यहाँ पर अब डिनर करने वाले हैं और स्माइली मैडम पहले ही चेयर पर बैठ गई है, और अभी चेयर को कि ठीक से रखी नहीं है लेकिन उसको नहीं पता था तो वो बैठी हुई है, और मस्ती तो फिर उसकी हमेशा हर जगह चालू ही रहती है। और बहुत अच्छा लगा आंटी के घर पे आके, और घर भी बहुत अच्छा है आंटी का, जो न्यू लिया है वो भी बहुत अच्छा है और जो पहले से आंटी ने पहले का है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सब कुछ अच्छे से करवा रखा है, काम वगैरह सब, तो अच्छा लग रहा था। और बहुत टाइम बाद आंटी से मिली भी हूँ मैं, 2 साल हो गया है, क्योंकि पिछले 2 सालों से जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से मिलना जुलना हो ही नहीं पाया है, और घर तो मैं इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। और पहले हम लोग इसलिए मिल लेते थे क्योंकि बाहर घूमने का ट्रिप बनता था हर साल का, एक बार साल में एक बार कहीं बाहर घूमने जाते थे पापा के साथ, जो मतलब अंकल वगैरह हैं सब लोग, सबकी फैमिलीज़, तो सब लोग इसीलिए मिल लेते थे। बट जब से कोविड स्टार्ट हुआ है पिछले 2 सालों से कोई भी कहीं नहीं जा पा रहा है। और आंटी के घर मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहमान हैं, या कि मतलब ऐसा नहीं है एकदम घर जैसा ही है अपने, क्योंकि आंटी को बहुत सालों से सब मतलब मम्मी को भी जानती हैं और हमारे साइड के ही हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब अपनापन सा है ये कि हाँ मतलब फैमिली जैसे हैं सब लोग। और यहाँ पर बस हम लोग जा रहे हैं घर, स्माइली को मैं सैंडल पहना रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब रात भी हो गई थी, 10 बज गए थे और पता ही नहीं लगा कि ये 3-4 घंटे कैसे हम लोगों के निकल गए, हम लोग 5:30 के समथिंग हम लोग आ गए थे और फिर मतलब पता ही नहीं लगा कैसे टाइम निकल गया। बस अब हम लोग चल दिए हैं घर, अब हम लोग घर जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है न्यू ईयर, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। देखो पीछे से स्माइली भी कर रही है, आ जाओ इधर आ जाओ स्माइली, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, सेम टू यू भी खुद ही बोल दिया है, हैप्पी न्यू ईयर भी खुद ही और सेम टू यू भी खुद ही, वो मुझे बोलेंगे ना। हाँ तो फिर, तो आज है न्यू ईयर, पहला दिन है, बस अभी हम लोग नहा धोकर फ्री हो गए हैं, और ये देखो स्माइली लेके बैठी है आइसक्रीम, चलो सबका मुंह मीठा करा दो, लो आप लोग भी भाई न्यू ईयर पर मुंह मीठा कर लो, मुझे खिला दी, चलो मैं ही खा लेती हूँ। वाव अच्छी है ना, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। तो चलिए न्यू ईयर की स्टार्टिंग तो हो गई है आइसक्रीम के साथ, अब चलते हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे बना रही हूँ आज, उनका मन था कि चलो आज पराठे बना लो, तो थोड़े से आलू भी बॉईल करे हैं और गोभी भी, सॉरी गोभी बॉईल नहीं करे, गोभी को कद्दूकस किया है। तो बस जा रही हूँ मैं किचन में, और किचन में बनाऊंगी अब मैं खाना। मम्मी
और अब यहाँ पे बन रहा है दोपहर का लंच। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रायता छोंक रही हूँ। यहाँ पे मैं खीरे का रायता बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ हींग और जीरा डाल के इसमें तड़का लगा रही हूँ। और हरी मिर्च और खीरा मैं घिस के पहले ही डाल चुकी हूँ इसमें रायते में। नमक भी डाल दिया है, तो बस इसका जो है तड़का लगा दिया है हींग और जीरे से। तो ये रायता बन गया है। और आज इनका मन था गोभी के पराठे खाने का, तो यहाँ पे मैं गोभी के पराठा बना रही हूँ। स्टफिंग मैंने पहले ही रेडी कर ली थी, तो बस चलिए फटाफट से पराठे बना देती हूँ। और थोड़ा सा मतलब विंटर यहाँ पे फ़िलहाल इतना ज़्यादा ठंड तो नहीं है, लेकिन हाँ हल्की फुल्की सुबह शाम रहती है। तो फिर भी लेकिन पराठे तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं, कभी भी खा लो। तो बस मन था, फिर शाम को देखते हैं कुछ अलग कुछ बनाऊँगी न्यू ईयर है। तो फिलहाल अभी दोपहर में खाना यही बन रहा है। गर्मा गर्म पराठा, थोड़ा सा तेज आंच थी तो थोड़ा सा जल भी गया, हल्का सा ऊपर से जल का मतलब ज़्यादा सिक गया है। और बस देखिए बन गया है। और अब इसको रायते के साथ खाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगेंगे पराठे। आलू के हों, गोभी के हों, सारे ही पराठे अच्छे लगते हैं फिलहाल। तो बस जल्दी जल्दी से गर्म गर्म पहले इनको दे के आ जाती हूँ मैं, क्योंकि पराठे गर्म गर्म ही अच्छे लगते हैं ज़्यादातर। हेलो फ्रेंड्स, तो बस अभी हमारा खाना वाना हो गया है दोपहर का, और अभी फ्री थी मैं, तो मैंने कहा चलो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर दूं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ और ऐड करूंगी तो फिर ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए अभी थोड़ा सा फ्री हूं, मैंने कहा जल्दी से ब्लॉग एंड करके अभी जो है एडिटिंग वगैरह कर लूं अपनी। तो चलिए फिलहाल यहीं पर स्टॉप कर लेते हैं। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए एक बार फिर से सबको हैप्पी न्यू ईयर, और ये आने वाला जो साल है वो हम सबके लिए बहुत अच्छा हो, सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए ये वाला साल। इसी के साथ चलिए आज का व्लॉग जो है हम यहीं पर एंड करते हैं, और चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। बाय।